गुड मॉर्निंग एवरीबडी, वेलकम टू द क्लास 7th एंड सब्जेक्ट सोशल साइंस। ओके, तो बेटा सोशल साइंस में हम यूनिट 2nd ज्योग्राफी का 1st चैप्टर रीड कर चुके थे और आपकी बुक का है वो 9th चैप्टर। उसी यूनिट 2nd का ज्योग्राफी का हम 2nd चैप्टर जो कि 10th चैप्टर के रूप में आपकी बुक में वो रीड करेंगे। ओके, तो 10th चैप्टर है अपना सरफेस ऑफ द अर्थ एंड इट्स इंटीरियर। तो सोशल साइंस की बुक ओपन करके आप पेज नंबर 58 जब ओपन करेंगे तो आपको ये चैप्टर मिलेगा। तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर एंड कम विद मी। तो सबसे पहले हम इस लेसन की हाइलाइट्स को रीड कर लेते हैं, क्या क्या बताया गया है चैप्टर में। चैप्टर में बताया गया है स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, हमारी अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है, और दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स, रॉक्स का फॉर्मेशन किस तरह से होता है अर्थ में, यूजेज ऑफ रॉक्स, रॉक्स का क्या यूज़ हो सकता है, किस तरह यूज़ होती हैं रॉक्स, एंड रॉक साइकिल, रॉक्स कैसे बनती है, इसका साइकिल इसमें बताया गया है। ओके, तो आज हम रीड करेंगे कि हमारी जो अर्थ है उसका सरफेस कैसा है और उसका इंटीरियर कैसा है, आंतरिक संरचना कैसी है हमारी अर्थ की। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा ये चैप्टर। लेट्स रीड विद मी। द अर्थ इज आवर होम प्लैनेट, इट इज़ अ यूनिक प्लैनेट। द अर्थ इज अराउंड 460 करोड़ ईयर्स ओल्ड। सिंस देन इट्स सरफेस हैज़ बीन अंडरगोइंग कंस्टेंट चेंजेस। आप देखिए हमारा ये अर्थ का एक नमूना दिया गया है यहाँ पर, मॉडल ग्लोब जिसे हम बोल सकते हैं। वन साइड ये ग्लोब दिखाई दे रहा है एंड अदर साइड हमारा इसका इंटीरियर पार्ट दिखाई दे रहा है। हाँ, आप देखिए हम सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं कि हमारी अर्थ क्या है। हमारा होम प्लैनेट है। होम प्लैनेट इसलिए कहा गया है अर्थ को क्योंकि हम इस पर घर बनाकर रहते हैं, इसलिए इसको होम प्लैनेट कहा गया है। ह्यूमन बींग्स के लिए ये होम प्लैनेट है। इट इज़ अ यूनिक प्लैनेट, इसलिए इसको यूनिक प्लैनेट कहा जाता है। किसी अदर प्लैनेट पर अभी तक भी ह्यूमन बींग्स की जो लिविंग है, लाइव है, वो नहीं सर्च हुई है। ओके, तो अर्थ हमारी क्या है, अराउंड 460 करोड़ ईयर्स ओल्ड है, यानी 460 करोड़ साल पुरानी है। सिंस देन, तब से ही, इट्स सरफेस हैज़ बीन अंडरगोइंग कॉन्स्टेंट चेंजेस। तब से ही अर्थ की जो सरफेस है उसमें कंटिन्यू निरंतर चेंजेज होते आ रहे हैं, अंडरगोइंग अंदर की तरफ, ठीक है ना। अब इसकी अंदर की तरफ की जो संरचना है, जो इसका स्ट्रक्चर है, वो इसमें दिखाया गया है आपको। देखिए आप इस डायग्राम में और ये जो नीचे वाले डायग्राम में अर्थ की अंदर की जो स्ट्रक्चर है वो दिखाई गई है। अब आप देखिए इसमें एक ये लाइट येलो कलर जो शो हो रहा है वो है इसका इनर कोर, यानी आंतरिक हिस्सा, और ये सेकंड नंबर का जो है ये आउटर कोर है। सेकंड नंबर का जो येलो दिखाई दे रहा है वो आउटर कोर है इसका, बाहरी हिस्सा। एंड ये जो इससे अपर जो ऑरेंज कलर में है उसको मेंटल बोलते हैं, ठीक है। इनके नेम दिए गए हैं बच्चों, हम अभी पढ़ेंगे। और ये जो आउटर है, जो लाइन बाहरी जो आवरण है, वो क्रस्ट कहलाता है, ठीक है। तो इंटीरियर हमारी अर्थ का इस तरह से बना हुआ है। एन एलिमेंट्री नॉलेज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द सरफेस ऑफ चेंजेस दैट टेक प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। हम किसी भी नॉलेज को, एलिमेंट्री नॉलेज को समझने के लिए हम उसकी जो स्ट्रक्चर है अर्थ की उसको आवश्यक रूप से हमें समझना पड़ेगा कि जो सरफेस जो चेंजेज होते हैं सरफेस में अर्थ के, वो अर्थ की सरफेस बनाने में
काम देते हैं, यानी अर्थ की सरफेस किससे बनी है, जो इंटीरियर चेंजेज हुए हैं उनसे अर्थ की सरफेस बनी है। द जियोलॉजिस्ट स्टडी, जो हमारे जियोलॉजिस्ट हैं, जो हमारे भूगर्भिक वैज्ञानिक हैं, वो उन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ प्रोवाइड अस विद वैल्यूबल इंफॉर्मेशन अबाउट इट। हमारे जो जियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने बहुत सारी स्टडी करके हमारी अर्थ का जो स्ट्रक्चर है वो हमें उसके बारे में वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन दी है, कुछ बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी है भूगर्भिक वैज्ञानिकों ने। इट इज़ अर्थ गेट्स होटर एज वी गो डाउन। ऐसा माना जाता है कि जितना हम अंदर की तरफ जाते हैं अर्थ क्या है, होटर होती चली जाती है। द टेम्परेचर एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज एस्टिमेटेड टू बी अराउंड 5000 सेंटीग्रेड। हमारी अर्थ का जो अंदर का टेम्परेचर है वो कितना है, 5000 सेंटीग्रेड। दस मेकिंग इट इज इम्पॉसिबल अंडरटेक डायरेक्ट स्टडीज अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। और इतना टेम्परेचर होने के कारण आदमी वहाँ जीवित नहीं रह सकता है, इसलिए वहाँ की जो डायरेक्ट स्टडी है वो नहीं की जा सकती है, ये इम्पॉसिबल है। इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अर्थ की जो इंटीरियर स्टडी है वो कर पाना इम्पॉसिबल सा होता है। तो हम पढ़ते हैं इसके आगे का पार्ट। द एवरेज डेंसिटी ऑफ द अर्थ इज अबाउट 5.5 घन पर सेंटीमीटर। और इसकी जो एवरेज डेंसिटी है हमारी अर्थ की, जो घनत्व है वो 5.5 घन मीटर पर सेंटीमीटर है। इट इज नॉट मेड अप ऑफ यूनिफॉर्म मटेरियल। ये किसी ऐसे मटेरियल से नहीं बनी हुई है जो यूनिफॉर्म्ड है, यानी पहले से बना हुआ है। द मटेरियल ऑफ द इनर लेयर्स आर हेवियर। जो अंदर की लेयर्स का मटेरियल है वो हेवी है देन दैट ऑफ द आउटर लेयर। आउटर लेयर से की तुलना में आउटर लेयर का जो मटेरियल है अर्थ का वो क्या है, लाइट है, और इनर लेयर का जो मटेरियल है वो हेवी है। द डेंसिटी ऑफ द रॉक्स गोज ऑन इंक्रीजिंग टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। हमारी अर्थ के जो सेंटर का जो डेंसिटी है रॉक्स की वो इंक्रीजिंग बढ़ती रहती, यानी रॉक्स की जो डेंसिटी है इंटीरियर की वो इंक्रीज होती रहती है। ठीक है ना, आप यहाँ तक समझ में आया। ये देखिए अर्थ का आप ये पोर्शन, इसका एक साइड से जैसे वो तरबूज की फांक हटा के उसका जो हिस्सा होता है ना, वैसे इसमें बताया गया है आपको कि क्या क्या पार्ट्स हैं। एटमॉस्फेयर है ये हमारा, फिर उसके नीचे क्रस्ट है, फिर मेंटल है, फिर उसके आउटर लेयर है, कोर है। इस तरह से पूरा पोर्शन ये अंदर तक दिया हुआ है, सॉलिड मेंटल, सॉलिड मेटल, इनर के लेयर। ये डायग्राम हम आपको ऑफलाइन क्लासेस में फिर समझाएंगे। अब हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है। द अर्थ इज लाइक एन ओनियन। ओनियन की तरह है हमारी अर्थ, जैसे ओनियन से परत हटाते हैं ना हम लेयर से लेयर, वैसे ही अर्थ पे भी लेयर्स हैं बेटा। मेड अप टू सेवरल कॉन्सेंट्रिक लेयर्स विद वन इनसाइड द अदर। जिस तरह ओनियन में लेयर्स होती है उसी तरह से सेवरल कॉन्सेंट्रिक लेयर्स हैं इसके अंदर, वन इनसाइड द अदर, एक के अंदर एक। देर आर थ्री मेन लेयर्स ऑफ द अर्थ। हमारी अर्थ की थ्री मेन लेयर्स हैं, वो कौन कौन सी हैं। द अपर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड द क्रस्ट। जो सबसे ऊपरी जो लेयर है हमारी वो है अर्थ की क्रस्ट, देखिए सबसे ऊपरी लेयर। फिर उसके बाद आती है द मेंटल इज जस्ट बीनीथ द क्रस्ट। और इस क्रस्ट के बिल्कुल नीचे मेंटल लेयर है। सबसे पहले ऊपर तो एटमॉस्फेयर है हमारा, फिर यहाँ पर सरफेस पे क्रस्ट है, और क्रस्ट के जस्ट नीचे मेंटल है, सेकंड लेयर। ओके, उसके बाद
बीनीथ द क्रस्ट, व्हाइल द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड कोर। और जो सबसे अंदर की लेयर है, ये देखिए यहाँ पर सबसे अंदर की लेयर दिखाई दे रही है, ये क्या कहलाती है? कोर कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर भी आपको स्पेशली अलग से दिया हुआ है, ये जो येलो लाइट येलो है ये इनर लेयर है, ये कोर है, ये आउटर लेयर है, ये क्या है? मेंटल है, सॉरी ये मेंटल है, और ये बाहरी जो है वो क्या है? क्रस्ट है। तो थ्री लेयर्स हैं हमारी अर्थ की जो मुख्यतया मोटी मोटी हैं। इसके बाद भी कई अलग लेयर्स हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले हम रीड कर लेते हैं क्रस्ट को। ओके, द क्रस्ट इज द सॉलिड अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। क्रस्ट क्या है? सॉलिड लेयर है अर्थ की और सबसे ऊपर वाली लेयर है। इट इज आल्सो नोन एज द लिथोस्फेयर। इसको लिथोस्फेयर के नाम से भी जाना जाता है। हम पहले भी रीड कर चुके हैं इनको, लिथोस्फेयर को। इट इज रिलेटिवली थिन लेयर। ये थिन लेयर है, रिलेटिवली संबद्धता से ये थिन लेयर है। द अपर पार्ट ऑफ द क्रस्ट इज कॉल्ड द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और ये थिन लेयर जो है क्रस्ट, वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नाम से जानी जाती है। विच इज अबाउट 35 किलोमीटर थिक, जो कि लगभग 35 किलोमीटर थिक है, मोटी है। द लोअर पार्ट विच इज अबाउट ओनली 5 किलोमीटर, इसमें जो लोअर पार्ट है वो लगभग 5 किलोमीटर थिक है, इज कॉल्ड ओशनिक क्रस्ट। इसको क्या नाम दिया गया है? ओशनिक क्रस्ट दिया गया है। फर्स्ट जो लेयर है ना क्रस्ट का, वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, उसके बाद इनर लेयर है उसको ओशनिक क्रस्ट का नाम दिया गया है। द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज मोस्टली मेड अप ऑफ सिलिका। हमारा जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ऊपरी हिस्सा, वो किससे बना है? सिलिका से। सिलिका मीन्स एस आई मीन्स एस सिलिका एंड एल्युमिनिया, एल्युमिनिया और सिलिका दोनों को मिलकर के क्या नाम दिया गया है इसको, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को? सियान। समझ में आया? नहीं आया तो एक बार फिर हम इसको पढ़ लेते हैं। जो हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो लगभग 35 किलोमीटर थिक है और उसका जो लोअर पार्ट है वो 5 किलोमीटर थिक है। इस लोअर पार्ट को क्या कहते हैं? ओशनिक क्रस्ट कहते हैं। और जो हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ये किससे बना हुआ है? सिलिका और एल्यूमिनिया से। इन दोनों को मिलाकर SI और AL, इस कारण से इसको नेम दिया गया सियाल। किससे? सिलिका और एल्यूमिनिया से बना है, इसलिए इसको सियाल नेम दिया गया है। द ओशनिक क्रस्ट इज मेड अप ऑफ सिलिका। तो ये किससे बना हुआ है? सिलिका से बना हुआ है ओशनिक क्रस्ट। और सिलिका को क्या नाम दिया गया है? जैसे SI से सिलिका एंड मैग्नीशियम M है, इसको क्या नाम दिया गया है ओशनिक क्रस्ट को? सीमा। सिलिका और मैग्नीशियम से बना होने के कारण ओशनिक क्रस्ट को क्या नाम दिया गया है? सीमा। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को क्या नाम दिया गया था? सियाल। और जो ओशनिक क्रस्ट है उसको क्या नाम दिया गया है? सीमा। द एवरेज डेंसिटी ऑफ द क्रस्ट इज अबाउट 3.0 घन पर सेंटीमीटर। हमारी जो एवरेज डेंसिटी है क्रस्ट की वो 3.0 घन मीटर पर सेंटीमीटर है, द सॉइल एज वेल एज मोस्ट ऑफ द मिनरल्स इज फाउंड ऑन द आउटर क्रस्ट। और जो हमारी आउटर क्रस्ट है उस पर सॉइल पाई जाती है और कुछ मिनरल्स भी पाए जाते हैं। ओके, अब हम आते हैं हमारी नेक्स्ट लेयर पे, उसको हम क्या कहते हैं, उसके क्रस्ट के नीचे वाली जो लेयर है उसको हम कहते हैं मेंटल। द लेयर जस्ट बीनीथ द क्रस्ट इज कॉल्ड मेंटल। जो जस्ट क्रस्ट के नीचे वाली लेयर है अर्थ की उसको मेंटल कहते हैं। द मेंटल इज 2950 किलोमीटर थिक। ये 2950 किलोमीटर थिक है, जबकि क्रस्ट कितना था? क्रस्ट कितना था हमारा? वो कम मोटा था, कम मोटाई का था, वो ओनली 35 किलोमीटर थिक थी उसकी कॉन्टिनेंटल
जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की जो मोटाई थी 35 किलोमीटर थी, और ये हमारा मेंटल एरिया है जो 2950 किलोमीटर है। थिक एंड लाइज बिटवीन द क्रस्ट एंड द कोर, और क्रस्ट और कोर के बीच में स्थित होता है ये मेंटल लेयर। द मेंटल यानी बीच की लेयर है ये। द मेंटल इज मेड अप ऑफ हैवी एंड डेंस मटेरियल्स लाइक आयरन एंड मैग्नीशियम। मेंटल किससे बना हुआ है? ये इस बहुत डेंस मटेरियल जैसे आयरन और मैग्नीशियम से बना हुआ है। द एवरेज डेंसिटी ऑफ द मेंटल इज बिटवीन 3.5 घन पर सेंटीमीटर टू 5.5 घन पर सेंटीमीटर, इतना इसका डेंसिटी है, यानी 3.5 से 5.5 घन मीटर तक। द टेम्परेचर इज इन द मेंटल इज वेरी हाई। मेंटल जो लेयर है हमारी अर्थ की, उसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है। द मैग्मा इरप्टेड ड्यूरिंग अ वॉल्केनिक इरप्शन इज फॉर्म्ड हियर। और जब हमारे यहाँ वॉल्केनिक ब्रस्ट होती है, यानी जब ज्वालामुखी फूटती है, तो जो मैग्मा जो निकलता है, जो लावा निकलता है उसमें से, उसका फॉर्मेशन कहाँ होता है? मेंटल में ही होता है। ये जो लेयर है मेंटल लेयर बहुत हाई टेम्परेचर की होती है, और जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो जो मैग्मा निकलता है उससे वो यहीं पर फॉर्म होता है, क्योंकि वो बहुत गर्म होता है ना, होता है ना, देखा होगा कभी आपने फिल्म वगैरह में। अब कुछ मोर हम जाने। द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ क्रस्ट इज माउंट एवरेस्ट। हमारी अर्थ की जो फर्स्ट लेयर है क्रस्ट, उसका जो हाईएस्ट पॉइंट है, सबसे ऊंचा पॉइंट, वो है माउंट एवरेस्ट। एंड द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज इन मैरिना ट्रेंच। और सबसे गहरा जो हिस्सा है हमारी अर्थ की सरफेस का, सबसे निचला, वो मैरिना ट्रेंच है, जो कि 10,994 मीटर बिलो है सी लेवल से। सी लेवल से कितना बिलो है? 10,994 मीटर बिलो, यानी सबसे ऊंचा है क्रस्ट का जो एरिया वो है एवरेस्ट, और सबसे नीचा हमारा जो क्रस्ट इसका सरफेस का वो है मैरिना ट्रेंच। अब हम आते हैं हमारी थर्ड नंबर की लेयर्स पे। ओके, तो थर्ड नंबर की लेयर है हमारी कोर। अर्थ की थ्री लेयर है ना, तो हम टू पढ़ चुके हैं। थर्ड है द कोर इज लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। कोर क्या है? अर्थ की सबसे नीचे वाली लेयर है। इट लाइज बिलो द मेंटल, और ये मेंटल के नीचे स्थित है, एंड अराउंड द सेंटर ऑफ द अर्थ, और सेंटर अर्थ के बिल्कुल सेंटर में है। ये अर्थ के बिल्कुल सेंटर में है, देखिए आप, ये अर्थ के बिल्कुल सेंटर में है ना, इसको हम कोर कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड बैरिस्फेयर, इसको बैरिस्फेयर भी कहा जाता है। द कोर इज मेड अप ऑफ हैवी मेटल्स लाइक निकल एंड आयरन। और कोर किस किस से मिलकर बनी हुई है? हैवी मेटल्स से, जिसमें निकल और आयरन है, इसलिए इनको Ni और Fe के नाम से जाना जाता है। Therefore, it is called also knife. क्या कहा जाता है इनको? Knife. The average radius of the core is about 3500 किलोमीटर। और जो कोर की एवरेज रेडियस है, जो त्रिज्या है, वो लगभग 3500 किलोमीटर है, परिधि है ना। The temperature of the core varies between 2200 degree centigrade to 5000 degree centigrade तक। और यहाँ का जो temperature है वो mantle से भी ज़्यादा है। यहाँ का temperature है 2200 degree centigrade से 5000 degree centigrade तक। And the average density is between 5.0 घन meter per centimeter to 13.0 घन per centimeter तक, यानी यहाँ की डेंसिटी भी काफ़ी ज़्यादा है। तो बच्चों, आज हमने रीड किया कि हमारी जो अर्थ का सरफेस है वो थ्री इम्पॉर्टेंट लेयर्स से मिलके बना हुआ है, और वो थ्री इम्पॉर्टेंट लेयर्स हैं हमारी स्ट्रक्चर देने वाली अर्थ को, वो हैं क्रस्ट, सेकंड नंबर पर मेंटल, हम बाहर से ले रहे हैं इसको, सबसे पहली बाहरी परत क्रस्ट मेंटल, फिर सबसे अंदर की इंटीरियर लेयर जो है वो है कोर।
तो आशा है आपको ये यहाँ तक जितना हमने रीड किया है वो समझ में आया होगा। कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, और हम इसका जो बचा हुआ पोर्शन है फिर हम रीड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।